नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे अगर हम बात करें तो केएल राहुल को लेकर बहुत ही बढ़िया और अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ा है इस वनडे में, और उसी को लेकर के दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ कहा है केएल राहुल ने, क्या कुछ कहा है कप्तान विराट कोहली ने, क्या कुछ कहा है अगर हम बात करें पंजाब के हेड कोच अनिल कुंबले ने, और उनकी मालकिन प्रीति जिंटा ने क्या कुछ कहा है केएल राहुल के बारे में। इस इनिंग के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़े फ़ैन हैं पंजाब किंग्स के केएल राहुल के, सपोर्ट करते हैं इस टीम को, जिताना चाहते हैं आईपीएल 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपकी सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और आईपीएल 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके आईडी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से बनाते रहे, ताकि जो टारगेट है इस वीडियो का वो जल्द से जल्द कम्प्लीट हो जाए। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम अपने वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात करना चाहते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको क्रिकेट एनालिसिस करना बहुत पसंद है, तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और डाउनलोड किया जाए माई 11 सर्कल ऐप। दोस्तों, इस ऐप की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको दिग्गजों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। आपको सिंपली पिकअप करने हैं अपने प्लेइंग 11, और अगर आप बीट कर देते हैं वीवीएस लक्ष्मण की टीम को, तो आपको मिलेगा 5 गुना ज़्यादा कैश कमाने का मौका। यही नहीं दोस्तों, आप इस ऐप से करोड़ों कमा सकते हैं। और दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको मिलेगा 1500 रुपये वेलकम बोनस। और यही नहीं, अगर आप हमारे दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो दोस्तों, देख क्या रहे हैं इस इंडिया इंग्लैंड सीरीज में, जल्दी से डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप और ढेर सारे पैसे जीतते रहिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। अब दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पहला वनडे मैच था उसे इंडिया टीम ने काफ़ी अच्छी तरीके से जीत लिया था, और वहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो केएल राहुल ने वहाँ भी एक हाफ सेंचुरी जड़ी थी, जहाँ पर लग रहा था केएल राहुल जो पूरी तरीके से फॉर्म में आ गए हैं। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे वनडे के लिए, तो फिर एक बार इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंडिया टीम को न्योता दिया बल्लेबाजी करने का। इंडिया टीम ने इस न्योते को दोनों हाथ से पकड़ा, और अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की हमारी टीम इंडिया ने। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो जो शुरुआत थी वो काफ़ी ठीक नहीं रही। अगर हम बात करें, दोनों ओपनर सस्ते में आउट हो गए, रोहित शर्मा और शिखर धवन। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो इंडिया टीम की जो बल्लेबाजी है उसकी कमान संभाली कप्तान विराट कोहली ने और केएल राहुल ने। केएल राहुल से दोस्तों जैसे कि उम्मीद थी, काफ़ी अच्छी पारी खेलेंगे वो, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। अगर हम बात करें कप्तान विराट कोहली की, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी सदी हुई पारी खेली, जहां पे उन्होंने 66 रन बनाए हैं 79 गेंदों में। वहीं अगर बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, जहाँ पर उन्होंने जड़ दिया है शतक। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 114 गेंद खेल कर 108 रन बनाए हैं, और अगर बात करें तो 2 छक्के और 7 चौके लगाए हैं। उनके इस पारी से देखते हुए यह पता चलता है कि कितनी उन्होंने जो है जिम्मेदारी वाली पारी खेली है, और जब इंडिया टीम को दरकार थी उनसे बल्लेबाजी की, तो उन्होंने इस समय पर बल्लेबाजी करके दिखाई है। भले ही T20 में वो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन अगर बात करें केएल राहुल की, तो जैसे कि विराट कोहली ने कह दिया था उनके बारे में कि वो एक क्लास बैट्समैन है, और 2-3 साल में जिस तरीके से इनका फॉर्म और परफॉर्मेंस रहा है वो सारे बल्लेबाजों के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा रहा है, तो ऐसे में केएल राहुल को हम कम आंकना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में विराट कोहली ने जो है इन्हें वनडे मैचों में मौका दिया, और केएल राहुल ने इस मौके का दोनों हाथों से फ़ायदा उठाया। और अगर बात करें तो इन्होंने जो है इस वनडे मैच में सेंचुरी जड़ दिया है। तो अब केएल राहुल ने जो है इस सेंचुरी से जड़ करके अगर बात करें, तो उन्होंने जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया है, और पंजाब की जो टीम है उन्होंने ट्विटर पर डाल दिया, केएल राहुल के सेलिब्रेशन का मतलब यही है कि बाहर का जो शोर है उसे बंद किया जाए, बल्कि उसे महसूस किया जाए कि वो किस तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि केएल राहुल के सेलिब्रेशन के इस तरीके को किसी भी तरीके से जो है डिसरिस्पेक्ट की तरीके से ना लिया जाए, क्योंकि अगर हम बात करें केएल राहुल की, तो बाहर के शोर शराबों से वो दूर रहते हैं। तो अब दोस्तों ऐसे में अगर हम बात करें, तो पंजाब टीम के लिए काफ़ी अच्छी खबर मानी जा रही है कि केएल राहुल जो है फॉर्म में लौट गए हैं, और ये ठीक जो है आईपीएल के पहले हो रहा है, जहाँ पर अगर बात करें तो इंडिया टीम को एक और वनडे खेलना है, जो कि होगा संडे को, और उस दिन रहेगा डिसाइडर मैच।
यानी कि डिसाइड हो जाएगा कि कौन जीतेगा ये वनडे सीरीज। वही अगर बात करें T20 सीरीज की तो इंडिया ने उसे सील किया है और अपने नाम पर किया है। तो अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा KL राहुल जो है तीसरे वनडे में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और अगर वहां भी उन्होंने हाफ सेंचुरी या फिर सेंचुरी जड़ दी तो उनके कैरियर का जो है ये इतिहास बन जाएगा। तो अब दोस्तों आपका क्या कहना है KL राहुल के बारे में, क्या KL राहुल जो है अगले वनडे मैच में हाफ सेंचुरी जड़ेंगे या फिर सेंचुरी जड़ेंगे, या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप KL राहुल कितने बड़े फ़ैन हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि KL राहुल जो है अगले मैच में किस तरीके से परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं टीम इंडिया के लिए। और वहीं दोस्तों अगर बात करें तो इस इनिंग को काफ़ी अच्छे हाथों लिया है ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की दिखा दिया कि ऋषभ पंत किसके लिए जाने जाते हैं और किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं ऋषभ पंत। वहीं अगर बात करें हार्दिक पांड्या की तो हार्ड हिटर तो हैं ही, जहां पे इन्होंने 16 गेंदों में 35 रन जड़ा है और दिखा दिया है कि हार्दिक पांड्या क्यों सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं डेथ ओवर से बल्लेबाजी करने के लिए। तो अब दोस्तों अगर बात करें प्रीति जिंटा के बारे में और अगर बात करें हेड कोच के बारे में तो उन्होंने अभी तक इस पर हालांकि कुछ भी बयान नहीं किया है, लेकिन मन ही मन जो है वो भी काफ़ी खुश होते रहेंगे कि KL राहुल जो है जिस तरीके से हमें फॉर्म में नहीं दिखे थे T20 मैचों में और वनडे मैचों में उन्होंने काफ़ी अच्छी वापसी की है और हाफ सेंचुरी और सेंचुरी से जो है आगाज किया है ठीक IPL 21 के पहले, और यहाँ पे पंजाब की टीम जो है काफ़ी अच्छा महसूस करती रहेगी। खुद KL राहुल ने कहा है कि मुझे इतने सारे रन बना करके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि आगे और इसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देते रहूँ अपनी टीम इंडिया के लिए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।